ठीक है, आज के ट्रेनिंग में जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि शुक्रों में विभिन्न प्रकार के बीमारी होते हैं अगर हम पौष्टिक आहार नहीं देते हैं तो। जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा 10 प्रकार का, पहला जो हमारा था वो क्या था, वृद्धि दर में कमी। अगर कोई शुक्र आपका वजन नहीं ग्रोथ कर रहा है, अगर उसका वजन रुक गया है, तब हम लोग कैसे उसको क्या जानकारी लेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या खाने में इसका घट रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि अनाज में हम लोग क्या है कि कम दे रहे हैं, खाना जो उसका है प्रॉपर तरीके से जो डाइट है। जैसे कि हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि 1 से 2 महीने का जो शुक्र होता है उसका 15 kg वजन होना चाहिए, पर डे 1/2 kg खाना देना है। तो हम जानेंगे कि अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो हम उसको पूरा खाना नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जो उसका खुराक है वो हम अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि निम्न स्तर का आहार, खनिज विटामिन का जो कमी है, जो हम खाना दे रहे हैं उस खाने में क्या है कि खनिज और विटामिन का कम है, उसमें खनिज और विटामिन नहीं है अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसमें और दूसरा क्या हो सकता है कि परजीवी, मतलब कि अंदर का कीड़ा या बाहर का कीड़ा। शरीर में देखे होंगे कि बहुत सारे कीड़ा होता है, अंदर से भी होता है और बाहर से भी होता है। ठीक है, बाहर से जैसे कि ढीला जू, जिसको जू बोलते हैं, 8 पैर का एक जानवर होता है, 8 गोड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अंदर का कीड़ा, कहने का मतलब है कि अगर अंदर का कीड़ा है तब हम क्या करेंगे, डीवार्मिंग करेंगे। और इसके लिए कौन सा इंजेक्शन होता है, कौन सा सुई होता है, ये मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन के टाइम पे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि खाने से प्रॉब्लम होने वाला बीमारी। ठीक है सनी भाई, आपका जो है सो नेटवर्क वीक है क्या? ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारों का क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो जानवर है उसको भूख ही नहीं लग रहा है, जो हमारा जानवर है उसको क्या है कि भूख ही नहीं लग रहा है। तो उस समय क्या होता है, देखिए खाना जानवर क्यों नहीं खाता है, ये सबसे बड़ी बात है कि खाना जानवर क्यों नहीं खा रहा है, उसको भूख क्यों नहीं लग रहा है। तो जो खाना हम दे रहे हैं उसमें प्रोटीन और विटामिन और कैल्शियम और आयरन का कमी है। क्या क्या कमी है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन, ये 4 चीज़ का कमी है, तभी जो जानवर है वो हमारा जानवर खाना नहीं खा रहा है और उसको भूख कम लग रहा है। जैसे खाना हम लोगों ने दे दिया और वो खाना नहीं खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन, जो खाना हम दे रहे हैं उस खाने में प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, आयरन नहीं है। ठीक है, तो उस दरमियान में हम क्या करेंगे, खाने को चेंज कर देंगे, जो खाना हम अभी दे रहे थे वो खाना क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन होना चाहिए। ठीक है, तो वो खाना फिर प्रॉपर तरीके से खाएगा। तीसरा हमारा नंबर था असामान्य चमड़ा एवं बाल। असामान्य चमड़ा एवं बाल कहने का मतलब है कि अपेक्षा अनुसार ज़्यादा चमड़ा हो जाता है जानवर में, या फिर बाल बहुत ज़्यादा निकल आता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनका बाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है कि खाने पे होता है कि वो खाने में क्या हम लोगों ने डाला, क्या कमी था खाने में जिसके कारण से ये बाल हो गया, बहुत मोटा चमड़ा हो गया या बहुत पतला चमड़ा हो गया, थोड़ा सा भी रगड़ रहा है तो फट जा रहा है उसका चमड़ा, जख्म बन जा रहा है। तो ये क्यों होता है, अगर किसी जानवर में बहुत ज़्यादा चमड़ा हो गया या बहुत कम चमड़ा है मोटा, और बहुत ज़्यादा बाल है और किसी में बहुत कम बाल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, नमक का कमी, आयोडीन की कमी। ठीक है, प्रोटीन और आयोडीन का कमी के कारण क्या हो जाता है, असामान्य बाल और असामान्य चमड़े हो जाते हैं। अब क्या है, ये चौथा नंबर में जो हम लोग लिखे हुए थे वो था लंगड़ापन, पिछले हिस्से में पक्षपात। बहुत सारा ये जो बीमारी होता है ना, अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। लंगड़ापन का जो बीमारी होता है वो अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। जब फीमेल डिलीवरी देती है हमारे फार्म पे, तो उस समय क्या होता है कि छोटे बच्चे, जो लास्ट के बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, लंगड़े होते हैं या पैर फैल जाता है उनका। उस समय क्या प्रॉब्लम है कि क्या हम लोगों ने खाने में कमी दिया उनको कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन ए, डी और बी, कैल्शियम फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी, ये 4 चीज़ की कमी के कारण क्या होता है, छोटे बच्चे लंगड़े पैदा हो जाते हैं और
अच्छे से चल नहीं पाते हैं और लास्ट में वो मर ही जाता है। इसीलिए जब भी हम फीड बनाते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी, ये हमारे फीड में अवेलेबल हो, ठीक है। अब फाइव नंबर जो है हमारा पतला दस्त, कहने का मतलब है लूज मोशन। ये बहुत छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लूज मोशन की जो बीमारियाँ होती है छोटे बच्चों में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए फीड के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, देखिए जो छोटे बच्चे रहते हैं अगर उनको ऐसा कुछ बीमारी है जो पतला दस्त हो रहा है, दो चार दिन से ठीक ही नहीं हो रहा है, तो हम जो एक दिन का दो दिन का जो बच्चा होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उससे बड़े का बच्चों का हम कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जो अभी अभी तुरंत आज पैदा हुआ कल से उसका पतला पिखाना चालू है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसको माँ को, उसके माँ को जो फीड हम दे रहे हैं उसमें हमको बदलाव लाना पड़ेगा और उसमें हमको कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ेगा, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, तभी जा करके वो ठीक होगा। तो उसमें क्या है कि पतला दस्त कैसे होता है, जो हम खाना खिला रहे हैं उसमें विटामिन बी की कमी है। क्या की कमी है, विटामिन बी की कमी, और अत्यधिक रेशेदार आहार दे रहे हैं। जो खाना हम लोग दे रहे हैं वो खाना उसको अच्छे तरीके से पच नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा खाना हम लोग उसको दे रहे हैं। और जो दो बातें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पहला हम अपने फार्म को जो है सो साफ सफाई नहीं रख रहे। अगर हमारा फार्म गंदा रह रहा है, अगर वो फार्म जो है वो गंदगी हमारे फार्म में है, या तो फिर हवा का आवागमन अच्छे तरीके से नहीं है, पूरे तरीके से फार्म जो है वो क्लोज है, तो उस दरमियान भी छोटे बच्चे या बड़े को दस्त हो जाता है, ठीक है। और ये सब अगर हो जाता है, फीड मैं खिला रहा हूँ और तुरंत दस्त हो गया, तो हम फीड को कंट्रोल करेंगे। पहला हमारा जो काम होगा वो फीड से कंट्रोल करना होगा, उसके बाद फिर हम लोग मेडिसिन पे आते हैं, ठीक है। हम आपको ये बातें मेडिसिन के क्लास में बताएंगे, ठीक है दादा। पतला दस्त समझ में आ गया, पतला दस्त क्यों होता है, देखिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों होता है। सबसे पहली बात आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी बीमारी के बारे में पहले से हम लोगों को पता है कि ये नहीं खिलाने से मेरे बीमारी, मेरे फार्म पे इस टाइप का बीमारी आने वाला है, तो हम जो है वो इस टाइप का बीमारी अपने फार्म पे लाए ही नहीं। जो उनको खाने में इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो उनको खाने में पदार्थ चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो सारा हम उनको फीड में देंगे तो हमारे फार्म पे बीमारी नहीं आएगा। हमारा मेन मकसद होगा कि फीड के ऊपर सारा बीमारी कंट्रोल करना, ठीक है। बाकी बात तो मेडिसिन के टाइम पे, जब मेडिसिन का क्लास होगा उस समय तो मेडिकल मेडिसिन के बारे में आपको बताया ही जाएगा, ठीक है। अब छठा नंबर पे है प्रजनन शक्ति में कमी। प्रजनन शक्ति में कमी कहने का मतलब है कि जो हमारी फीमेल है वो कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बच्चा देती है मर जाता है बच्चा। या तो आप लोगों ने बहुत ऐसे देखे होंगे कि बच्चा दिया भी नहीं और फीमेल मर गया, ठीक है। और एक क्या होता है कि लीटर साइज में प्रॉब्लम आता है, और एक और प्रॉब्लम क्या आता है, लीटर साइज में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बच्चा देना चाहिए था 7, 8, 10 लेकिन वो दे रहा है 2, 3, तो इसका क्या रीज़न है। तो इसको हम इंजेक्शन दे करके ठीक नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम लोग फीड पे कंट्रोल कर सकते हैं। फीड पे कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रजनन शक्ति में कमी कैसे होता है ये समझिए। अत्यधिक मोटापा या कमजोरी, अगर जानवर बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और कैल्शियम और आयोडीन और विटामिन ए की कमी, मतलब कि जो फीमेल हमारा बच्चा देते देते मर जा रहा है, या तो फिर मरा हुआ बच्चा दे रहा है, या तो लीटर साइज कम है, तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अत्यधिक मोटापा या बहुत ज़्यादा कमजोरी, या कैल्शियम का कमी, या आयोडीन का कमी, या विटामिन ए की कमी, ठीक है, तभी जा करके प्रजनन शक्ति में कमी आता है। और सातवां नंबर पे जो हम लोग लिखे हुए थे वो लिखे हुए थे मृत या कमज़ोर बच्चे का जन्म, ठीक है। मतलब कि मरा हुआ बच्चा भी बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे या तो सुने होंगे कि मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो जाता है,
और जब मरा हुआ बच्चा पैदा होता है ना तो फीमेल मर भी सकती है। 100% में 99% चांस होता है मरा हुआ बच्चा जब देगा तो फीमेल मर जाती है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मृत या कमजोर बच्चे का जन्म, इसके लिए क्या है कि विटामिन ए, आयोडीन और प्रोटीन कैल्शियम का कमी। मतलब मृत बच्चा कब पैदा होता है, जब आयोडीन का कमी होता है, कैल्शियम का कमी होता है, प्रोटीन का कमी होता है, ठीक है। किस किस चीज़ का कमी होता है, विटामिन ए की कमी, किस चीज़ का, विटामिन ए का कमी, आयोडीन की कमी, प्रोटीन की कमी और कैल्शियम का कमी, ठीक है। अगर ये हमारे फीड में है तो ये प्रॉब्लम हमारे फार्म पे कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आठवां नंबर पे है बाल रहित बच्चे का जन्म। बाल रहित बच्चे का जन्म कहने का मतलब हमारे जो फीमेल है उससे जो मुझे बच्चे मिले उनके शरीर पे बाल है ही नहीं, वो बच्चा मर जाएगा, 100% बच्चा मर जाएगा। बाल अगर उसके शरीर में है ही नहीं तो वो तो मरेगा ही ना। तो ऐसा क्यों होता है, आयु कमी। तो इसीलिए मैं आपको फीड वाले में सारे फॉर्मूलेशन में बताया हूँ कि जब भी हम फीड बनाते हैं तो उसमें आयोडीन का एक मुख्य किरदार होता है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। बहुत से सारे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नमक नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि होटल वेस्ट वगैरह खिला दिए, विदाउट सेग्रीगेट किए हुए खिला दिए, कोई फीड अपने घरेलू उपचार में कहीं चोकर खिला दे रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये सब सारे सिस्टम जो है ना गलत है। आप एक सेम इंग्रेडिएंट से बनाइए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पांचवा नंबर जो पीडीएफ आपको, तीसरा नंबर का जो मैंने बताया था, तीसरा नंबर पीडीएफ का जो फॉर्मूलेशन दिया था, फीड फॉर्मूलेशन, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, ये चार फॉर्मूलेशन जो दिया था वो हर एक जानवर के लिए उपयुक्त होता है। बताया था मैंने, दीपक जी बताया था ना, सनी भाई, हाँ बताया, ठीक है। तो ये जो भी 10 प्रकार की बीमारियां आ रही है ना, बस हमारा प्रेग्नेंट फीमेल से ही रिलेटेड सारी बातें हैं, इसीलिए हमको फीड बनाते समय ये सारी बातें ध्यान रखना पड़ेगा। अब नौवां नंबर, जो नौवां पॉइंट है हमारा, वो क्या है, अंधे बच्चे का जन्म होना। देखिए जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है अगर उसको प्रॉपर ढंग से फीड नहीं मिल पाया तो उस समय क्या है कि उसके जो बच्चे होंगे वो अंधे भी पैदा हो सकते हैं, अंधा भी हो सकता है। तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है, विटामिन ए की कमी। जो हमने प्रेग्नेंट फीमेल को जो फीड दिया है उसमें विटामिन ए की कमी है जिसके कारण से अंधा बच्चा हुआ, ठीक है। अब देखिए कि दसवां नंबर, रक्त अल्पता, कहने का मतलब है एमोनिया। ये एमोनिया के कारण हमारे इंडिया में काफ़ी बच्चे मर जाते हैं, जो भी लीटर साइज होता है 8, 10, 12, ये जो होता है एमोनिया एक बीमारी है। जब छोटे बच्चे जब होते हैं ना उस समय छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाया जाता है एमोनिया का। तो एमोनिया कैसे होता है छोटे बच्चों में, उसमें लोहा मतलब आयरन की कमी होती है, तांबा की कमी होती है और विटामिन बी की कमी होती है। आयरन, तांबा और विटामिन बी की कमी के कारण हमारा जो है वो एमोनिया होता है छोटे बच्चों को, ठीक है। तो ये हम लोग सारी की